लट्टू की मालिश करेंगे। अरे ओ लक्ष्मण भाई, अरे दिन भर कोई बच्चे की मालिश करता है क्या, और वो भी नारियल तेल से? तुझे क्या करना है? तू मेरी चटनी बना, आओ लेटो इस पर। ये मेरी चटनी मतलब मेरे लिए चटनी बना। तू क्या हंस रहा है? बच्चों की पिपुड़ी कर कर, मालिश कर, और कोई काम तो है नहीं, निकम्मा कहीं का। काम तो बहुत करता था राम भैया, ऑर्डर भी बहुत लाता था, लेकिन हमेशा आप और भरत भैया भूखे से मेरे ऑर्डर छीन लेते थे। भूल गए क्या? फालतू बात मत कर, मैंने कब तेरा काम छीना? अभी अकेले में बैठ के सोचते होंगे तो शर्म आती होगी ना आपको। अच्छा, भाइयों ने एक दो काम छीन लिए तो तूने काम करना ही छोड़ दिया? अरे मुझे तो लगता है तू काम करना चाहता ही नहीं है। ऐसा नहीं है दर। अच्छा तो चल मैं काम देता हूँ। मेरे एक दोस्त का सामान उदयपुर पहुंचाना है, पूरे 8,000 का फायदा होगा। 8,000 का? अच्छा ये काम मुझे दे दीजिए, मैं आपको अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में डिस्काउंट भी दूंगा। लो अभी बोला अभी पुक। ये क्या बोल रही है तू? हाँ बिल्कुल सही बोली वो, अभी तक तो तू लक्ष्मण का ऑर्डर चुराता था, अब सीधे डाका लूट। ये काम लक्ष्मण ही करेगा। ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। पन्ना ने मुझे कहा है कि लट्टू को छोड़कर कहीं मत जाना। अरे तो जिंदगी भर घर पर बैठे बच्चे की मालिश करता रहेगा, घर कैसे चलाएगा? चल चुपचाप उठ और मेरे दोस्त की मूर्तियों का बॉक्स उदयपुर पहुंचा। बेटा और बाद में झाड़ू कटका करके बर्तन भी धो देना भाई। अरे देखता क्या है, फोन लगा पहले पन्ना को और पूछ के 8,000 का फायदा है। 8,000 का? अरे वो मूर्तियों का बॉक्स आता ही होगा। चल चल फोन लगा। ला मैं पकड़ लेता हूँ। अरे नहीं तू दादाजी को फोन लगा। हाँ बेटा तू कैरेट का इंतजाम हो गया है। ये तो खाली है, मूर्तियां कहाँ है? अरे अनुषा ये तो बस प्लान है लक्ष्मण काका को यहाँ से भेजने का, अरे मूर्तियां थोड़ी रखनी है। पर हमारे लक्ष्मण काका इतने बेवकूफ नहीं है कि वो इतना हल्का कैरेट टूटा है और उन्हें पता भी ना चले कि इसमें मूर्तियां नहीं है। हाँ वत्सल बिल्कुल सही कह रहा है। एक काम करते, इसमें कुछ भारी चीज भर देते। वो तो हम कर देंगे, पर ये खाली कैरेट भेजने के लिए बड़े दादाजी के दोस्त पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे रुपए बड़े दादाजी दे रहे, तुम लोग एक काम करो इसके अंदर जल्दी से कोई भारी चीज डालो। ठीक है? ठीक है वो तो हम कर लेंगे, अब जाके लक्ष्मण काका को बोलो कि कैरेट तैयार है। ठीक है चल लक्ष्मी चल चल बस चल, हम कुछ भारी चीजें ढूंढ के लाते हैं, जल्दी चल। पन्ना मेरी बात, लेकिन मेरी बात पन्ना मेरी ये क्या कर रहे हैं? अरे पन्ना काके से एसटीडी पर डांट खा रहे हैं। अभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो। मैंने किया पन्ना, और मैंने काम करने के लिए मना भी कर दिया था ये कहकर कि मैं लड्डू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती फोन करने को कहा। भगवान बड़े ससुर जी को लंबी उम्र दे कि उनके कहने पर तुमने फोन तो किया। अरे 8,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है तो जाओ ना। और लड्डू? अरे लड्डू को दोनों ससुर जी को संभालने के लिए दो, और उन्हें मेरी तरफ से धमकी भी देना कि अगर लड्डू को कुछ हुआ ना तो मैं शांति निवास की ईंट से ईंट बजा दूंगी। ओके पर पन्ना मैं पहले लड्डू दूं या धमकी? अरे दोनों साथ में देना डफोड़।
जाओ, मुझे पता है वो दोनों लड्डू को संभाल लेंगे। ठीक है, तो मैं लड्डू को अदा और बापूजी के पास देकर उदयपुर जाता हूँ। बार बार कभी एक तीर से दो शिकार, घर भी एक हो रहा है और किशन और लक्ष्मी के दिल भी। अरे ओवर रिएक्ट मत करो, लक्ष्मण को शक हो जाएगा। पहले मुझे शक था माँ, लेकिन अब यकीन हो गया है कि भगवान ने लक्ष्मण को सिर्फ सिर लगा के भेजा है, उसमें दिमाग ही नहीं है। क्या हुआ बेटा? अरे कैसा आदमी है माँ, उसे काम मिल रहा है, 8,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है, फिर भी फोन करके पूछ रहा है कि करूँ या नहीं। गलती किसकी है बेटा, उसमें बेचारे लक्ष्मण का क्या दोष है? वो तो वही कर रहा है ना जो तुम बोल रही हो। हाँ, पर ऐसे आदमी से शादी करवाई मेरी। उसने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना शादी के लिए, तुझे वहाँ वो नहीं मिला जो तुझे चाहिए था, उसमें बेचारे लक्ष्मण का क्या दोष? वो तो तुम्हारी कोई भी बात टालता भी नहीं है। पति था वो, तूने उसे कठपुतली बना दिया, तुम्हारे इशारों पर नाचता है, फिर भी तो दुखी है। बुरा मत मानना, अगर दोष तुझ में है उसमें नहीं, कभी तो उसके साथ प्यार से पेश आकर देख। हाँ देखूंगी, अभी तो मुझे ये देखना है कि वो ये काम ठीक से करता है या नहीं। एक तरफ तुम्हारी चिंता है और एक तरफ उसके काम की फिक्र, और ऊपर से लड्डू। लड्डू की फिक्र क्यों कर रही हो, तुम्हारी जेठानिया है ना वहाँ पे, उनको तो हाथ लगाने नहीं दूंगी लड्डू को। और मैंने लक्ष्मण को भी समझा दिया है कि लड्डू की जिम्मेदारी ससुर जी के अलावा और किसी को ना दे, और टीना टिंकू भी उनके अलावा और किसी की मदद नहीं लेंगी। चल चल जल्दी चल। उदास क्यों बैठे हो? पापा काम पर जा रहे हैं, फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा? अरे मैं रख। अपना ख्याल खुद रखो टीना टिंकू। हमें स्कूल जाने के लिए टिफिन चाहिए। हाँ, तो बना लो कुछ। लक्ष्मी ये तो क्या कह रही है? टीना टिंकू जाओ रसोई में जाकर कुछ बना लो, और हाँ याद रखना असली सासुमा और सुंदर सासुमा की मदद मत लेना, वरना तुम्हारी मम्मी आकर नाराज होगी। पर हमें कुछ बनाना ही नहीं आता है। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों यहाँ पर नहीं है, तो कुछ तो बनाकर खाना ही पड़ेगा ना। चल टिंकू। कितनी बेरहम है तू, उन्हें कुछ बना के दे नहीं सकती थी? मैं बनाकर दे दूंगी तो असली सासुमा और सुंदर सासुमा क्या करेगी? और तुझे लगता है कि वो दोनों इन प्यारी सी बच्चियों को भूखा रहने देगी? अब चल बाहर, पहले पतले ससुर जी को रवाना करते हैं। हाँ। और उसके बाद भी अगर टीना टिंकू भूखी रही तो मैं हूं ना। चल बाहर। हाँ, चल। हो गया काम। इसे उठाकर आपके टेम्पो में रखवा देता हूं। कोई जरूरत नहीं है राम भैया के बेटे, ये मैं खुद उठा लूंगा। सिर्फ राम भैया का बेटा, आपका भतीजा भी तो कह सकते हो।
काका संभल के। बाप रे, तो बहुत भारी है, मूर्तियां काफी वजनदार है, उठाना तो पड़ेगा। काका, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पतले ससुर जी। जय श्री कृष्ण। बक्सा उठाते हुए पतले ससुर जी को जरा भी शक नहीं हुआ। हाँ, वसंत बहुत समझदार है। हाँ। मेरी तरह नहीं है। तू तो सबसे ज्यादा समझदार है अनुषा। अगर तू कैरेट भरकर भारी करने में वत्सल की मदद नहीं करती तो कैसे होता? और नहीं तो क्या? वत्सल है कहाँ? टेम्पो में। क्या? टेम्पो में? अरे कौन से टेम्पो में? लक्ष्मण काका के टेम्पो में। टेम्पो में? क्या? हाँ, वो क्या है ना कि बॉक्स भारी करने के लिए हमें कोई चीज मिल ही नहीं रही थी। मैंने और वत्सल ने एक बड़ा सा पत्थर भी देखा पर हम वो उठा ही नहीं पाए, तो मैंने सोचा कि पत्थर नहीं है तो क्या हुआ, मैं वत्सल को तो उठा सकती हूँ और लक्ष्मण काका भी उसे उठा लेंगे, तो मैंने उसे उठा के बॉक्स में डाल दिया। हाँ, अब वत्सल भी उदयपुर घूम के आएगा। अनुषा, ये क्या किया तूने? अभी सुंदर सासु माँ वत्सल को ढूंढने की, तो कहाँ से लाएंगे उसे? उदयपुर से भाभी। अनुषा, किशन, जल्दी से पतले ससुर जी को रोकते हैं। चल, चल, चल। अनुषा, वत्सल, अरे चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। जबरदस्ती वजन बढ़ा दिया साइकिल पर। तो अकेला वत्सल को टेम्पो से कैसे निकालेगा? मैं एक काम करूंगी, पतले ससुर जी को बातें बोल जाऊंगी और तू वत्सल को निकाल देना, ठीक है? अरे बजाना। अरे लक्ष्मण काका रुको। अरे रोको टेम्पो को पतले ससुर जी। पतले ससुर जी। अरे लक्ष्मण काका। किशन और लक्ष्मी क्या कर रहा है? टेम्पो को कुचल कर आगे निकलने वाला था क्या? अरे साइकिल स्पीड में चला रहा था ना, रोकने में टाइम लगता है। अब क्या रहा है? साइकिल पर बैठ कर आया है, भाग कर नहीं आया। अरे पगली, साइकिल चलाओ तो सांस फूलती है। पर तू क्यों हाफ रही है? तू तो बैठ कर आई है। साइकिल ठोकने वाला था, घबराहट में सांस नहीं फूलेगी मेरी। अरे अरे पर तू बैठी तो तू नहीं देख सकती थी। अरे चुप, तुम दोनों घर से इतनी दूर यहाँ पे क्यों आए हो और झगड़ क्यों रहे हो? वो काका, पतले ससुर जी, मुझे ना आपसे एक काम है। अच्छा, आप आइए मेरे साथ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आप 2 मिनट रुके, मैं अभी आई। अरे लक्ष्मी, मैं पतले ससुर जी को ढूंढने जाती हूँ, तू वत्सल को निकाल। अरे इस पर तो ताला लगा हुआ है, निकालूंगा कैसे? तू जाने। अरे लक्ष्मी सुन तो। अरे मुझे क्यों रोका? आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई मुश्किल ना आए, इसलिए मैं आपके लिए तावीज लेकर आई हूँ, ये आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, ये मैं पहन लूंगा। नहीं नहीं, मुझे जाप करके पहनाना पड़ेगा।
भाभी से कि आपका 80,000 का फायदा होगा। ठीक है, तू इतने प्यार से लाई है, वो पहना दे। नहीं नहीं, पतले ससुर जी वो क्या है कि पहिए वाली चीज के पास पहनाओ तो इसका असर खत्म हो जाता है। अच्छा, वहाँ पेड़ के पास चलिए, वहाँ पहनाती हूँ आपको। ठीक है, चलेगा, चल किशन। नहीं नहीं, पतले ससुर जी उसे यहीं रहने दो। टेम्पो का ध्यान रखने के लिए कोई चौकीदार तो चाहिए ना। हाँ, कोई टेम्पो लेकर चला गया तो। हाँ सही बात है, चलिए। क्या करना है? आप आंखें बंद कीजिए, मैं मंत्र जप शुरू करती हूँ। ठीक है। ओम संरक्षणाय नमः। ये लोग आए तो दो थे, तीन कैसे हो गए? बच्चा तो मिल गया, अब बस लड्डू रोना शुरू कर दे तो हमारा काम हो जाएगा।